आप यहाँ कितनी जगह पर सिखाने पर? दो घंटा हो गया। कितना टीम घट पाई है? 50 आदमी। बड़े पैमाने पर आयकर छिपाकर कुल संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर अहली सुबह से ही आयकर की अलग अलग टीम भागलपुर में कई व्यवसायियों और उनसे जुड़े लोगों के घर छापेमारी कर रही है। बिहार झारखंड में ईडी और इनकम टैक्स की टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। भागलपुर शहर में तकरीबन 340 ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारी की पहुंचने की सूचना है। सूचना पूरे शहर में आग की तरफ फैल गई है। सभी व्यवसायियों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। बताते चले कि एक साथ इतनी बड़ी छापेमारी भागलपुर में अभी तक नहीं हुई थी। भागलपुर शहर की ये अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी है। पूरे भागलपुर में ईडी और इनकम टैक्स के सैकड़ों अधिकारी के मौजूद होने से शहर के दर्जनों व्यवसायी डरे हुए सहमे हुए हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। सूचना है कि भागलपुर के लिए 340 से ज्यादा अफसर की टीम पटना, पूर्णिया और झारखंड से पहुंची है। पूरे शहर में छापेमारी करने आई टीम की गाड़ियां रेंग रही हैं। बिहार में राजधानी पटना के अलावे भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार में भी रेड पड़े हैं। भागलपुर में करीब दर्जन भर कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है। सुबह से ही छापेमारी से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं घर के प्रवेश मार्ग से लेकर अंदर तक सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद दिखे। फिलहाल आईटी की टीम के कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। भागलपुर में इनकम टैक्स और ईडी की छापेमारी टीम के अधिकारियों के आने से पूरी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते चलिए भागलपुर में राजेश वर्मा, मनीष जालान, रवि जालान, हरि प्रसाद वर्मा, शिवम चौधरी, जॉनी संथालिया, दिलीप रॉय, अनिकेत राय, विजय यादव समेत कई अन्य लोगों के ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने दबिश डाली है। वहीं भागलपुर के कारोबारियों से संबंधित अन्य शहर के प्रतिष्ठानों पर भी रेड हुआ है। कारोबारियों में पूर्णिया, कटिहार, सुल्तानगंज, कहलगांव, बैजानी तक झारखंड और बंगाल स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी की बात सामने आ रही है। कितनी जगह पर ठिकाने थे? दो घंटा हो गया। कितना टीम घट पाई है? 50 आदमी। तो कितने जगह पे चल रहा था? हमारा 500 ब्रांच बिहार झारखंड दोनों। चार तीन दुकानें और इधर चार जगह चार जगह और झारखंड में दो झारखंड मेन जगह और वहाँ पूर्णिया में भी। क्या नाम सर आपका? नहीं, हरिओम वर्मा। आप इसे खोलिए।